मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी राजकीय आरक्षण को मंजूरी देने के बाद महाराष्ट्र में राजकीय ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा पक्ष आक्रामक हो गया है। सोमवार को भाजपा की ओर से शहर के संविधान चौक पर महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें महाराष्ट्र में ओबीसी का जो आरक्षण है वो राजकीय आरक्षण रद्द किया गया और उसे सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को यह आरक्षण ओबीसी का राजकीय आरक्षण जारी रखा गया। इससे ये समझा गया कि महाराष्ट्र सरकार ये ओबीसी का राजकीय आरक्षण मिलाने के लिए तत्पर नहीं थे, उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया। जब भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ट्रिपल टेस्ट करने को कहा गया, उन्होंने इंपीरियल डाटा नहीं दिया, उन्होंने मागास वर्ग आयोग का गठन करने के बावजूद भी उन्होंने जो रिपोर्ट देनी थी वो रिपोर्ट संपन्न नहीं हुई, उन्होंने इस वजह से यह आरक्षण हमारा रद्द हुआ है।